नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हरिद्वार के जगतपुर गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य राजवेश्वराश्रम में मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी अगले 30 दिनों के अंदर पहले स्थान पर होगी। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता पसंद कर रही है और लोगों के मन में आम आदमी पार्टी ने नंबर वन की जगह पा ली है। ये जो आकलन है तीसरे पोजीशन का, ये 30 दिन में देखिएगा पहले नंबर का, पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पर भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की, और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना चाहती है, और यहाँ आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में नंबर वन की जगह बना चुकी है। और आप देखिएगा कि जब वोट पड़ेंगे तो नंबर वन के पड़ेंगे। कि वोट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उत्तराखंड के गांव-गांव के युवा निकल के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी कहीं से आ गई है, उत्तराखंड के अंदर से निकली है, उत्तराखंड के गांवों से निकली है, उत्तराखंड के शहरों कस्बों से निकली है, जहां अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को पसंद किया, और यहां के युवाओं ने, यहां के महिलाओं ने, यहां के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को आम आदमी पार्टी के रूप में ऊपर उठाया। चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, उनका अपना एक हैप्पीनेस का एक उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके लिए आप आशीर्वाद दें। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने हरिद्वार उत्तराखंड को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात करी है और उसी को अभियान को लेकर कहीं ना कहीं आपसे वो आशीर्वाद लेने आए, तो अच्छी बात है। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इस कार्य को करें, हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयत्न करें, जो भी काम को करेगा उसके साथ हमारा आशीर्वाद है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण का असर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के गंगा स्नान पर भी पड़ गया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए हरिद्वार के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने भी त्रिवेणी घाट सहित सभी घाटों पर मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर मकर संक्रांति की पूजा पाठ करने की अपील भी की है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर त्रिवेणी घाट पे जो है हजारों की संख्या में लोग जो स्नान के लिए आते हैं, लेकिन अभी कल ही शाम को जो है जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र जो है वो आया है, जिसमें जो है जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि त्रिवेणी घाट पे श्रद्धालुओं के लिए तथा स्थानीय नागरिकों के लिए जो है 14 तारीख को जो है पूर्णतः जो है त्रिवेणी घाट प्रतिबंधित किया गया है। तो इसलिए मेरा जो है स्थानीय नागरिकों से, श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया वो शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए 14 तारीख को जो है त्रिवेणी घाट पे या अन्य किसी कार्य है तो त्रिवेणी घाट पर ना आए। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार से आग की लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने सिक्योरिटी को जानकारी दी। सिक्योरिटी की तरफ से जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। सहारनपुर से आए थे सर परसों, तो बाहर छोड़ के जा रहे थे गाड़ी को, पेशेंट हमारे साथ था तो इमरजेंसी में जाना पड़ा, कुछ पुराना चल रहा है तो गाड़ी अंदर नहीं जाना पा देते, तो साइड में लगा के गाड़ी को जा रहे थे, और पेशेंट को जैसे हम एडमिट करने लगे तो बाद में 15-20 मिनट के बाद पता लगा कि हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, अंदर अलसमेंट हुआ है कि बाहर का इस लंबर की गाड़ी है और इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर हम बाहर आए, इतना हम आते रहे, इतना गाड़ी जल के बहुत काबू नहीं पा पाए। आग बुझाने वाली जो मशीन आती है, टैंकर आता है, ये भी आया था जी, इसने भी करी, पर इतने तो मैं गाड़ी बहुत जल चुकी थी। गदरपुर के मुख्य बाजार में एसपी काशीपुर चंद्र मोहन के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने अर्धसैनिक बल एसएसपी के साथ मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। चंद्र मोहन सिंह ने कहा है कि चुनाव की सभी तैयारियां दुरुस्त हैं, शासन प्रशासन किसी तरह की ढील चुनाव कार्य में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज लोगों में विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है।
पुलिस प्रशासन के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव होंगे और हर तरह की गतिविधियों के लिए अलग अलग टीमें बनाकर सामंजस्य बैठाकर मिलजुल कर काम भी किया जाएगा। हमारे जो इस क्षेत्र में बाजपुर में जो सकेनिया हो गया और इधर कनौरा हो गया, महितोषपुर हो गया और उधर जसपुर की तरफ से भी जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये जो हमारे नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, इन पे हमारे बैरियर लगे हैं। बैरियर पे 24 आवर्स की चेकिंग हो रही है। हमारी फ्लाइंग दस्ते और जो स्टैटिक टीमें हैं ये भी वर्किंग हैं और लगातार सीसीटीवी के माध्यम से भी बॉर्डर पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई जो है लिकर या कॉन्ट्राबैंड यहाँ ना आ सके और चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो सके, इसके लिए लगातार हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सीतापुर के थाना थरगांव इलाके में अधेड़ युवक सहित महिला और बच्चे पर सियार ने हमला कर दिया। हमले में अधेड़ और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सियार को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी में टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रामपुर में कांग्रेस ने शहर सीट से नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को टिकट दिया। वहीं इनके बेटे हमजा मियां को स्वास्थ्य से टिकट मिला है। चमरवा विधायक से पूर्व विधायक यूसुफ अली को भी टिकट दिया गया। वहीं बिलासपुर से पूर्व विधायक संजय कपूर को भी टिकट मिला है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। इस दौरान अस्पतालों में ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था ब्लड कैंप लगा रही हैं। जिस कड़ी में हरिद्वार स्थित देवभूमि अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। माँ गंगे ब्लड बैंक की तरफ से आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बीइंग डॉक्टर्स देखते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जिनके घर में ब्लड देने के लिए कोई नहीं होता और उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या फिर हम देखते हैं डेंगू या मलेरिया वगैरह में प्लेटलेट्स कम होना, तो प्लेटलेट्स की बहुत दिक्कत आती है। तो ब्लड डोनेशन देकर के हम लोग बस एक समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करिए, इससे किसी ना किसी की जान कहीं ना कहीं बच सकती है और आपको ऊपर वाले की दुआ मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात, कोरोना चल रहा है तो कोरोना के चलते चलते मैं सबको यही बोलूँगा कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, उचित दूरी बनाए रखिए और यहाँ माँ गंगा ब्लड बैंक के द्वारा जो कैंप, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, यहाँ पे भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। और मैं बस यही चाहूँगा, मैं एक फ्रीक्वेंट डोनर हूँ, मैं सबसे यही चाहूँगा कि आप नियमित तौर पर डोनेशन करते रहिए, इससे किसी को कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई हीमोग्लोबिन में घटौती नहीं होती है जैसा लोग समझते हैं। यह है ब्लड अपने आप पूर्ति हो जाती है बहुत कुछ दिनों में ही, अच्छा हरी सब्जियां और अनार वगैरह और ये सब पदार्थ खाने से, और ब्लड डोनेशन से कोई वीकनेस नहीं आती है, किसी ना किसी की हम मदद ही कर रहे हैं। धन्यवाद। ये इस टाइम जो कोविड के केसेज बढ़ने शुरू हुए हैं तो उसमें पिछली बार भी देखा गया था कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी पड़ी थी, इसलिए जैसे ही शुरुआत हुई तो हमने ये विचार किया कि एक दिन से ब्लड की कमी ना हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर आए और डोनेट करें, इसके लिए हमने डोनेशन कैंप लगाया। लोगों को भी कहेंगे कि आएंगे ब्लड डोनेट, हाँ आके बोलो, जागरूकता के लिए कल एक विज्ञप्ति भी दी थी पेपर में और मीडिया के थ्रू भी बहुत बोला गया, आ रहे हैं लोग और कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा था। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी राजनीतिक पार्टी को बैनर और पोस्टर्स लगे होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया, तो वहीं इस खबर को न्यूज़ फॉर इंडिया की तरफ से प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी जगहों पर लगे नेताओं के पोस्टर्स और बैनर्स को हटाया गया है। आगरा में विधानसभा चुनावों के लिए 14 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। पहले चरण में आगरा में 10 फरवरी को चुनाव होगा, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पर निरीक्षण किया। इसी के साथ ही एसएसपी ने निरीक्षण कर अधिस्थान को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं।
नैनीताल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार मंडल और प्रशासन की तरफ से खुले खेल के मैदान में सब्जी मंडी लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी लोगों ने मास्क आदि का इस्तेमाल किया हुआ था। लोग बड़ी शालीनता के साथ सब्जी लेने के लिए पहुंच रहे थे। व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि यह फैसला जनता को कोरोना से काफी हद तक निजात मिल सके इसलिए लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर कहा गया है नीचे आने के लिए हमारे व्यापारियों को, तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर जो ऊपर व्यापार ऊपर सब्जी मंडी में मंडियाँ लगती थी और जो फंड लगते थे उन्हें नीचे शिफ्ट किया है। और आज पहले दिन है तो थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएँ हैं, थोड़ा सा आज जो अव्यवस्थाएँ हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और थोड़ा फैला फैला भी किया जा रहा है और सुचारू रूप से चालू होने में। मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे के बीच कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने पर मुरादाबाद शहर सीट से प्रत्याशी हाजिर रिजवान कुरैशी ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों से जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। पूरे मुरादाबाद की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपने मुरादाबाद की जनता से ये कहना चाहूँगा, अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो 2017 29 नवंबर 2017 के मेयर के चुनाव में जो कसर रह गई थी, जो लोगों को मायूसी रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह वो मायूसी नहीं हाथ लगेगी और इंशाल्लाह बहुत वोटों से जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं और उनको लेकर के जनता के बीच रहूंगा और शासन प्रशासन के बीच रहूंगा और उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। जीतने के बाद पहला काम जो आप करेंगे, जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, तीन काम मेरे नजर में है। सबसे पहले एक मुरादाबाद में तटबंध रामगंगा नदी पर बना करके उसमें रिंग रोड और पिकनिक पॉइंट का निर्माण कराना, जिससे जो जामा मस्जिद के लोगों को परेशानी होती है, साहब आए दिन उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं किसी भी नाम से, उसको रिंग रोड जब एक बार बन जाएगा तो उसकी एक तय समय मतलब सीमा हो जाएगी कि सीमा के आगे कोई नहीं जाएगा। बसी से कोतवाली के पचपड़िया मार्ग पर असलह के दम पर करीब 1 लाख लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राइवेट कंपनी RCMC का कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह पैसा जमा कराने बैंक जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर एजेंट को रोक लिया और असले के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर IG राजेश मोदक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। थाना कोतवाली के पचपड़िया मार्ग पर एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह जब कंपनी से नगद लेकर के बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तब उनको रास्ते में 3 लोगों ने रोक करके उनसे असलाह दिखा करके उनके पास जो कैश था 1,65,000 वो लूट लिया। उनकी राहुल सिंह की तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैंने 3 टीम बनाई हैं जो इस समय अपनी जाँच में लगी हुई हैं। शीघ्र इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरुखाबाद के थाना जोहानगंज क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक के साथ मारपिटाई की। वहीं जब मारपीट की शिकायत लेकर पीड़ित युवक के परिजन थाने पहुंचे तो दबंगों ने युवक के घर की महिलाओं के साथ भी लाठी डंडों से मारपिटाई की और युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और परिजनों को भी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि दबंगों के खिलाफ पहले भी पीड़ित युवक शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बार हमारी लड़के एक थप्पड़ मार रहा था, फिर हमने थाने में शिकायत करी थी यहाँ और चालान लिखो तो, लेकिन चालान ना ही ऐसे उन्हें छोड़ दो वो, तो हम लोग खामो दिए चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार ट्रक चढ़ाई वे करो मेरे लड़का के ऊपर, तब देखो शिकायत करी इनके घर पर, फिर कोई बात नहीं। फिर आज हमारे लड़के घेरो मरवे के लें, तब हमारे लड़का नहीं यहाँ खबर करी घर, हम लोग गए शिकायत करवे कुब्रता भाई किसान के बेटे ने ग्रामीणों की सहायता से दौड़कर पकड़ लिया, जबकि दो अन्य भागने में सफल रहे।
पकड़े गए बदमाश को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने खाल किसान के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों ने किसान को गोली क्यों मारी इसकी छानबीन में जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात में आज सूचना प्राप्त हुई कि भगवान दीन सना राम नरेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना कोतवाली देहात को अंकित चौबे द्वारा आपसी विवाद के चलते गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंचकर मजरूह को जिला अस्पताल में एडमिट कराया और अभियुक्त को हिरासत में लिया। पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत होते ही अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।